सर न्यू चैप्टर फ्लोटेस्ट। न्यू चैप्टर क्या नाम है उसका? सर फ्लोटेशन। क्या बेटा? सर वर्क एनर्जी एंड पावर। ओके 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 गुड। सो आई थिंक दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ ना लास्ट चैप्टर ना। दिस इज द यस सर लास्ट चैप्टर है ना एज फार एज कंसर्न ऑफ फिजिक्स पार्ट है ना। ओके सो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर। ओके बच्चों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो हमें आपको पढ़ना है। इसमें इसमें क्या होता है बच्चों वो देखो वर्क एनर्जी एंड पावर। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम वर्क देन एनर्जी एंड फाइनली वी विल रीड पावर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क। व्हाट इज वर्क? सॉरी दिस इज द क्वेश्चन। व्हाट इज वर्क? दिस इज द क्वेश्चन। व्हाट इज वर्क? अब यहां देखो बच्चों आप ये देखेंगे एक मिनट सर। यस वर्क एनर्जी एंड पावर में हम सबसे पहले बात करते हैं वर्क। वर्क मीन्स व्हाट? व्हाट इज वर्क एनीवन? सो वर्क मीन डूइंग एनीथिंग व्हिच इंक्लूड आवर मेंटल एंड फिजिकल वर्क। दैट मीन्स इफ यू आर you are in studying so you are in working position or not? Yes sir. Okay suppose you are studying for 2 hours that means simply this shows that Janvi has some work usne us kaam kiya hai lekin फिजिक्स बड़ी बेकार चीज है। फिजिक्स के हिसाब से ये काम नहीं है। इट्स नॉट अ वर्क। आप मान लो आपकी मम्मी खाना बना रही है तो ये काम नहीं है। ये ध्यान देना। इसका मतलब ये नहीं कि अब ऐसे मम्मी से बोलो मम्मी तो मतलब तुम्हारे पास कोई काम ही नहीं है। सर ने कह दिया ऐसे कि वो मम्मी जो खाना बनाती है वो कोई काम में नहीं आता। यस इट्स नॉट अ वर्क। इन फिजिक्स फिजिक्स में एक रूल होता है बच्चों। फिजिक्स में एक रूल होता है। वो रूल ये कहता है कि वेन एवर यू अप्लाई सम फोर्स ऑन द बॉडी ऑन द सिस्टम ऑन द पार्टिकल्स सो पार्टिकल्स हैव टू चेंज द पोजिशन। If particle does not change the position, that means there's no work done by anything. तो ध्यान रखिएगा बच्चों कि एक रूल होता है कि जब तक ध्यान देना जब तक बॉडी डिस्प्लेस नहीं होती है। मान लो ये मेरे पास मोबाइल है अभी यहां है मैं यहां से इसको यहां तक लेके आ गया। इट इज अ वर्क। इट इज अ वर्क। ये यहां से फिर यहां पहुंच गया फिर वर्क। लेकिन यदि मैं इसको लेके खड़ा हुआ हूं तो ये वर्क नहीं है। कोई छोटा सा बेबी है जो 5-6 महीने का है जो चल नहीं पाता आपकी गोदी में है आप उसको खिला रहे हैं आपकी गोदी में खिला रहे हैं ये वर्क नहीं है। जबकि एक्चुअली वर्क है। सो वन थिंग रिमेंबर वर्क इन डेली लाइफ एंड वर्क इन फिजिक्स आर टू डिफरेंट थिंग्स। फिजिक्स में वर्क तभी होता है बच्चों ध्यान सुनना। फिजिक्स में वर्क तभी होगा जब जो भी आपने बॉडी दी है वो बॉडी को
डिस्प्लेस होना आवश्यक है, यदि वो डिस्प्लेस नहीं होती वर्क नहीं होगा. ओके, सो द कंडीशन इज व्हाट इज वर्क. वर्क मींस इफ अ बॉडी चेंज द पोजीशन, है ना. तो अब इसका मतलब ये हो गया कि वर्क में जब भी होगा बच्चों, उस वक्त ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखने वाली बात है कि 100% जो बॉडी है, जो ऑब्जेक्ट है, उसमें चेंज हुआ होगा, उसमें चेंज हुआ होगा. यदि बॉडी वही की वही है तो आप ये यकीन मानिए, नो चेंज इन वर्क. ओके, सो रिमेम्बर. चलिए, सो पहले लिखिए आप हेडिंग, डाल दो वर्क. हेडिंग क्या होगा आपका? वर्क. लिखिए, वर्क इज सेट टू बी डन. वर्क इज सेट टू बी डन बाय अ फोर्स. वर्क इज सेट टू बी डन बाय अ फोर्स ऑन अ बॉडी, ऑन अ बॉडी और एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इफ द फोर्स अप्लाइड, इफ द फोर्स अप्लाइड कॉजेस अ डिस्प्लेसमेंट इन द बॉडी. Displacement in the body. Or the object. समझ में आ गया? वर्क का मतलब क्या हो गया बच्चों? यदि कोई बॉडी, यदि कोई बॉडी जो है आपको दी गई है, उस बॉडी में, उस बॉडी में चेंज हो रहा है, पार्टिकल में, पोजीशन में चेंज हो रही है, देन यू हैव टू कॉल से दैट सर वर्क इज डन बाय द बॉडी, बाय द फोर्स. अच्छा, एक बात कंफर्म है कि वर्क कब होगा? जब आप फोर्स लगाएंगे. तो दैट मींस अब वर्क के लिए क्या क्या चाहिए आपको? दो बातें, फोर्स और बॉडी और ऑब्जेक्ट. इतने लोगों के डिस्प्लेसमेंट. यस, पहला चाहिए फोर्स और सेकंड चाहिए डिस्प्लेसमेंट. यदि आप फोर्स लगाएंगे तो ही वर्क होगा, नंबर एक. तो फोर्स इज कंपल्सरी. सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो कंपल्सरी. इसमें से यदि एक भी नहीं है तो वर्क कितना हो जाएगा? जीरो. जीरो. तो यदि वर्क या फोर्स में से कोई भी एक, सॉरी, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में से यदि कोई भी एक जीरो है, दैट मींस वर्क इज जीरो. तो अब हेडिंग डालेंगे आप फिर से, वर्क डन बाय अ फोर्स, वर्क डन बाय अ फोर्स. बच्चों एक बात याद रखना इसमें, क्या होता है कि दो तरीके से फोर्स लगाते हैं. एक तो ये होगा कि आपने फोर्स लगाया ऐसे, तो जिस तरफ आप फोर्स लगा रहे हैं बॉडी भी उसी तरफ जा रही है. तो इसको क्या बोलेंगे आप? कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द सेम डायरेक्शन. ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि एक हाथ ठेले वाला जो होता है ना, मजदूर होता है, मजदूर वो क्या करता है, वो ठेले में धक्का मार के ले जा रहा है, तो जहां धक्का मारेगा वो उसी दिशा में जाता है. यानी कि फोर्स की दिशा और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम होती है, राइट.
मैं क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों ही क्या होती हैं, दोनों ही क्या हैं, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है वो, वेक्टर क्वांटिटी, राइट। तो इसलिए वहां पर डायरेक्शन चाहिए। तो हम सब दो केस पढ़ेंगे, हम इसमें दो केस पढ़ेंगे। फर्स्ट केस क्या होगा, फर्स्ट केस होगा इसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही दिशा में है, ओके। दूसरा केस क्या होगा कि उसमें फोर्स कहीं और जाएगा और डिस्प्लेसमेंट कहीं और जाएगा। अच्छा ये बताओ मुझे, आप में से कैरम कितने बच्चे खेलते हैं? कोई नहीं खेलता, ओके। राजवर्धन खेलता है। तो राजवर्धन, आप लोगों ने तुम देखा होगा कि जब कभी हम लोग कैरम पर जब स्ट्राइकर से हिट करते हैं उस गोटी को, तो क्या होता है कि हम ना ऐसा इस स्टाइल से मारते हैं कि स्ट्राइकर जाता है राइट साइड में और जो गोटी होती है वो जाती है लेफ्ट साइड में। ऐसा होता है क्या, ऐसा होता है? यस। ये क्या हो गया, ये हो गया फोर्स कहीं और जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट कहीं और जा रहा है। दो केस पढ़ने पड़ेंगे। एक केस तो क्या होगा जिसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही दिशा में होंगे, और दूसरे में क्या होगा। तो फर्स्ट डाली हेडिंग, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड, ए दो केस है ए और बी। तो फर्स्ट लिखिए, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये देखिएगा सामने, ये एक सरफेस हो गया, यहां पर आपने एक बॉडी रख दी है, ठीक है। इस बॉडी पर आप एक फोर्स लगा रहे हैं एफ। ये मान लो बॉडी क्या है, ये बॉडी ए पोजीशन में है। अब क्या हुआ कि कुछ देर के बाद ये बॉडी कहां पहुंच गई, यहां आ गई, ये पॉइंट पर बी, और इन दोनों के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, एस। समझ में आ गया, बनाइए। आप देख सकते हैं बच्चों यहां पर बॉडी ए फोर्स, जिस तरह आपने फोर्स लगाया था बॉडी भी उसी दिशा में जा रही है। बनाइए सर, एस डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट है ए से बी के बीच का डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वो सीधा है तो ये डिस्टेंस नहीं होगा बल्कि ये क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट होगा। सर डन, गुड, लिखिएगा। Let force capital F, force F be applied on a block placed at a position A. Placed at a position A on the smooth surface and block moves and get new position B so that its displacement is S, capital S, displacement is capital S,
okay, then work done by the force, then work done by the force is given by E. W is equal to S into X. Yeah, F into S. मतलब क्या हो गया बच्चों, जो वर्क होता है बेटा ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो लिखो इसी बात को, दस दस अ वर्क डन ऑन द बॉडी, वर्क डन ऑन द बॉडी बाय अ फोर्स इज इक्वल टू द product of the magnitude of the applied force and the distance traveled by the body. ठीक हो गया। तो आपने क्या देखा कि यदि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही दिशा में है तो उनका जो वर्क होता है वो उन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। इसलिए अब समझ आ गया आपको, मैंने क्या कहा था, या तो फोर्स जीरो हो जाए तो भी वर्क जीरो हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए तो भी जीरो हो जाएगा। अब हम उसका सेकंड केस पढ़ेंगे, बी लिखो। इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें फोर्स कहीं और लगाएंगे, बॉडी कहीं और जाएगी। तो पॉइंट सेकंड लिखिए, when a force is applied at an angle with the horizontal ठीक है, विद द हॉरिजॉन्टल। अब फिर से बेटा डायग्राम बनेगा, जस्ट अ मिनट। हाँ, अब इसमें क्या होगा वो देखिए आप। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि ये बॉडी में जो एयर भी है, अब आप फोर्स लगाएंगे ऐसा, ये फोर्स लगाया आपने ऐसा एयर, और ये है द डिस्प्लेसमेंट, और ये एंगल कितना हो गया थीटा, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल आ गया थीटा हो गया, बाकी सब कुछ वही का वही रहने वाला है। अब इस डायग्राम को बना लीजिएगा, Mm-hmm.
एक मिनट में बेटा थोड़ा सा मैं एक काम कर रहा था। ओके यार क्या चलो मैं थोड़ी देर से करता हूँ। हाँ जी तो ये समझ में आ गया आपको। अब इसमें क्या होगा कि एक एंगल बनेगा तो इसमें लिखिएगा अगेन लेट फोर्स एफ इज अप्लाइड ऑन द बॉडी एट एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ओके सो सर कैन यू रिपीट? यस यस यू लेट फोर्स एफ बी अप्लाइड ऑन द बॉडी एट एन एंगल थीटा विथ द हॉरिजॉन्टल विद द हॉरिजॉन्टल ठीक है। नाइन्थ ए एल सी आई ई एल सी ई चलिए तो आगे लिखिएगा कि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ वर्क डन क्या हो जाएगा W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब यहाँ देखो बेटा ये बात तो मैंने लिखा दी आपको फोर्स इनटू तो फोर्स तो पता है आपको कितना है। अब यहाँ पर देखा जाए तो फोर्स की हम बात करें फोर्स यहाँ जा रहा है ये यहाँ जा रहा है तो अपने को क्या करना पड़ेगा हमें बात करनी पड़ेगी कि ये बेटा फोर्स कितना है। तो यदि मैं इसको ऐसे कर दूं ऐसे मिला दूं तो ये जो फोर्स होगा ये वाला फोर्स वो कौन सा फोर्स है बेटा जो डिस्प्लेसमेंट की दिशा में जा रहा है। बच्चों मुझे इसमें बता दो एक फार्मूला है cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है पता है किसी को बेस अपॉन हाइपोटेनस ठीक है क्या होता है बेस अपॉन
हाइपोटेनस, बेस कितना है जीरा बेस, बेस मतलब एक दो डिस्प्लेसमेंट, अपॉन फोर्स कितना, हाइपोटेनस कितना बेटा एफ, तो कितना आ गया डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा इसका एफ कॉस थीटा, यानी कि ये जो डिस्प्लेसमेंट की दिशा में कितना फोर्स आया है एफ कॉस थीटा, पिछले वाले में एफ आया था, यहां पर कितना आया है एफ कॉस थीटा। सो नाउ नाउ वर्क डन W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एफ कॉस थीटा इंटू एस, या और सिंपल कर दूं तो एस एस कॉस थीटा, एस एस कॉस थीटा। बच्चों यहां पर ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही दिशा में होते हैं, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो वहां पर हम एंगल नहीं लेते, है ना, उसकी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि एंगल कितना है जीरो। प्यारे बच्चों मुझे बता सकते हो कि कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, किसी को पता है कॉस जीरो की वैल्यू होती है वन। इसलिए जब वो दोनों एक ही दिशा में होते हैं तो हमें उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती। अब यहां पर डेफिनेशन अलग हो जाएगी, लिखिएगा दस वर्क डन ऑन अ बॉडी, वर्क डन ऑन अ बॉडी बाय अ फोर्स, बाय अ फोर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड, product of the magnitude of the displacement of the displacement and the force, and the force in the direction of the displacement, and the force in the direction of the displacement of the body. Okay, so now it is clear that कि जो वर्क होता है वो वर्क दो बातों पर डिपेंड करता है बच्चों। एक पहला किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि फोर्स कितना होगा। यदि किसी बॉडी पर फोर्स नहीं लग रहा है तो इसका मतलब ये है वो बॉडी वर्क नहीं करेगी। तो फर्स्ट थिंग इज रिमेंबर देयर इज नीड फोर्स, काय के लिए फॉर द वर्क डन। नंबर एक तो फोर्स होना चाहिए, और दूसरा आपकी बॉडी डिस्प्लेस होना चाहिए। मान पड़ा कि आपने खूब फोर्स लगाया, जैसे उदाहरण के लिए मैं आपसे कहूँ कि मैंने आपसे कहा था कि घर में एक गेहूं की बोरी रखी हुई है, इसको छत पर लेके जाना है,
आपने पूरी ताकत लगा दी, खूब 2-3 घंटे तक मेहनत किया, लेकिन आप उसको हिला भी नहीं पाए, तो आपने मेहनत तो बहुत की बेटा, फिजिकली आपने बहुत मेहनत की है, सब उसको अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि फिजिक्स नहीं मानेगी, फिजिक्स बोलेगी आपने कोई काम नहीं किया, थोड़ा सा अलग है वो, है ना, तो फिजिक्स क्या बोलेगी कि आपने कोई काम नहीं किया, बस ये आपने को याद रखना है, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका, अब इसमें क्या कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें हैं वो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग मंडे ट्यूजडे को मिलेंगे लाइव, तभी मैं आपको बताऊंगा बेटा, है ना, अभी मैं ट्यूजडे को मिलूंगा आपको, तब मैं आपको ये बताऊंगा। हाँ बस इतना आप अभी लिख लो बेटा कि द एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल होती है, इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो कितनी होती है, जूल होती है, इसे आप याद रखना, इट्स एसआई यूनिट इज जूल। हाँ ठीक है बच्चों, आज थोड़ा सा कम पढ़ रहे हैं, 2-3 मिनट अभी कम बाकी है, तो इतने पर्याप्त है आज के लिए, ठीक है बच्चों, और कल हम शेष बात पर, कल मीन्स मंडे को जो आप मिलेंगे ट्यूजडे को, तो मैं इसमें कुछ ही ऐसी हैं वो मुझे लगता है कि मैं बोर्ड पर बताऊंगा आप लोग वहां पर लाइव, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, ठीक, साइरम, ओके, थैंक यू सर, साइरम।